तो फिर हम लोग चैप्टर का नाम रखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी 1 का, और एनसीईआरटी 1 के सेकंड चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, सबसे पहले याद रखिएगा एनसीईआरटी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रेल होगी, हम बहुत तेजी से स्पीड से भागेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और स्पीड से भागने की वजह से बहुत सारी चीजें छूटेंगी। तो आप मेरे साथ एनसीईआरटी ले करके ही बैठिएगा। एनसीईआरटी जब लेकर के आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला पॉइंट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। तो मैंने कल भी आपको बताया था क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। अब आपने ऑर्गेनिज्म को किया है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कल मैंने इन कन्वीनियंट कैटेगरीज का नाम बताया था, कन्वीनियंट कैटेगरीज। इन कन्वीनियंट कैटेगरीज को आपने टैक्सा बोला था, और इन टैक्सा के नाम आपने पढ़े थे, फ्रॉम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर वगैरह। याद रखना, इस क्लासिफिकेशन के बारे में बोलते हैं फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था, आप सब लोग को याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल जी, ही इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है। इन्होंने पहली बार बेटा प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। आपको मालूम है प्लांट को इन्होंने तीन पार्ट में बांटा था, याद रखेंगे आप लोग, एक तो हर्ब में, एक तो श्रब्स में, और ट्रीज में। याद रखना, प्लांट का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया था, हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब वो जिनका तना हरा है, श्रब वो जिनका तना झाड़ियों जैसा है, ट्री वो जिनका तना वुडी है, लकड़ी वाला है। इसके बाद इन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, और एनिमल को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया था, एक का नाम था इनेमा और दूसरे का नाम था अनेमा। इस अनेमा शब्द से ही अनीमिया बना हुआ है। अनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी, अनीमिया का, अनेमा का मतलब है और एनिमल विदाउट रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड ना हो, विदाउट रेड ब्लड, जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच है एनिमल, बिना रेड ब्लड का है, लेकिन इनेमा दीज आर विद रेड ब्लड। आगे मैं आपको बता दूं कि अरिस्टोटल ने इनेमा को दो और क्लासेस में बांटा था, वीवी पैरा और ओवी पैरा। चलिए हम लोग इसे यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी आगे भागते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट कैटेगरीज का नाम हमने टैक्सा रखा। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो जो बेटा प्रयोग में लाया था, किया था, वो अरिस्टोटल था। इन्होंने अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। याद रखना, प्लांट को उन्होंने तीन पार्ट में बांटा था, हर्ब, श्रब और ट्री, और एनिमल को दो पार्ट में बांटा था, इनेमा और अनेमा। इनेमा का मतलब विद रेड ब्लड वाले एनिमल, जैसे कॉकरोच, सॉरी विदाउट रेड ब्लड, अनेमा का मतलब विदाउट रेड ब्लड जैसे कि कॉकरोच, और इनेमा का मतलब विद रेड ब्लड जैसे कि ह्यूमन बीइंग और बाकी सारे लोग जिनके पास आरबीसी पाई जाती है, वो इनेमा के मेंबर है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं लीनियस, कल भी हमने इनके बारे में बात की थी। इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने पहली बार बड़ा क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पीछे छूटते हैं तो ये आपकी गलती होगी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताया था दुनिया में दो ही तरीके के किंगडम है, या तो प्लांट किंगडम है जो प्लांट जैसे करेक्टर रखते हैं, या तो एनिमल किंगडम है जिनके पास एनिमल जैसे करेक्टर हैं। पहला पॉइंट है कि किन्हें प्लांट बोलेंगे और किन्हें एनिमल बोलेंगे। याद रखना, प्लांट विथ सेल वॉल, जिनके पास सेल में सेल वॉल पाई जाती है उन्हें प्लांट बोलेंगे, और एनिमल उन्हें बोलेंगे जिसमें विदाउट सेल वॉल है, जिनमें सेल वॉल ना हो, जिनकी कोशिकाओं में सेल वॉल ना हो। ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका था। मैं आपको बताता चलूं उन्होंने प्लांट में किसको किसको इंक्लूड किया था। यस, ध्यान से सुनिएगा वरना मुश्किल हो जाएगी। एक तो बैक्टीरिया लिया था, एल्गी लिया था, फंजाई लिया था। तो लीनियस के प्लांट में, अगर कोई बोले लीनियस के प्लांट किंगडम में क्या बैक्टीरिया था, यस, बिकॉज बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, एल्गी के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास सेल वॉल होती है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था, और इसके अलावा एंजियोस्पर्म था। सो आपको मालूम है कि जब कभी लीनियस के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में बात चलेगी तो बैक्टीरिया भी प्लांट में ही माने जाएंगे, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। इसके बाद एनिमल में इन्होंने स्टार्ट किया विद द प्रोटोजोआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोटोजोआ जिनमें पाए जाते हैं अमीबा,
और पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर पाए जाते हैं तो प्रोटोजोआ भी एनिमल किंगडम में था। इसके बाद आपको मालूम है पोरीफेरा, इसके बाद आपको मालूम है सीलेंट्रेटा, इसके बाद आपको मालूम है प्लेटीहेलमेंथीस, और आगे की बातें अगर मैं लिखूंगा तो टाइम टेकिंग होगा। आपको मालूम है प्लेटीहेलमेंथीस, स्केलमेंथीस से लेकर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थ्रोपोडा और क्वाडेटा तक बात जाएगी। ये सारे के एनिमल किंगडम के मेंबर हैं। जब कभी लीनियस के बारे में बात कही जाएगी तो लीनियस कहते हैं, भैया लीनियस ये कहते हैं, ध्यान से सुनते रहिए, लीनियस ये कहते हैं कि प्लांट तो बैक्टीरिया भी है, लेकिन याद रखना बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, आपको याद रखना पड़ेगा यू फॉर यूनिसेलुलर। एल्गी में आपको मालूम है क्लोरेला जैसा मेंबर है, ये भी यूनिसेलुलर ही है। फंजाई भी बेटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। आपको मालूम है प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है। तो कहते हैं कि लीनियस का सिस्टम में बड़े प्रॉब्लम थी, बड़ी बड़ी समस्याएं थी, बड़ी लिमिटेशन थी। मैं पहली लिमिटेशन लिखता हूं, यस, पहली लिमिटेशन ये थी कि लीनियस ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, याद रखना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई कर दिया था। होल्ड ऑन और तुरंत देखने की कोशिश करो, बोलो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यस। एल्गी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यस। एल्गी मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यस। फंजाई यूनिसेलुलर हो सकता है, यस। लाइक ईस्ट, क्या फंजाई मल्टीसेलुलर हो सकता है? ब्रायोट्रेडो, जिम्नो एनजियो, क्या ऐसा मल्टीसेलुलर हो सकता है? यस। देखिए प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर भी मल्टीसेलुलर भी, लाइकवाइज एनिमल किंगडम में देखिए प्रोटोजोआ कैसा है, यूनिसेलुलर, बाकी सारे लोग मल्टीसेलुलर। इसका मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्लासिफाई किए गए साथ में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्लासिफाई किए गए साथ में। तो याद रखना लीनियस की पहली समस्या है कि उन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ क्लासिफाई कर दिया। दूसरी समस्या है, लीनियस ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई कर दिया। कई बच्चे मुझसे इतना पढ़ाने के बाद पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने बताया था जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो होते हैं यू, यू मतलब ट्रू, और जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। आपको मालूम है बैक्टीरिया इस दुनिया में प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी दुनिया के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूकैरियोटिक। वंस मैं कैमरा चेक करना चाहता हूं, ठीक है बस, ओके दिख रहा है आप लोग, देखिए। तो याद रखना बैक्टीरिया कैसे है, यस, बैक्टीरिया कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे लोग कैसे हैं? यूकैरियोटिक। तो इनकी दूसरी समस्या, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ में क्लासिफाई कर दिया। अब मेरे साथ आइए, अब आपको मालूम चलेगा फंजाई अपना खाना नहीं बना पाते, हेटरोट्रॉपिक हैं। बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना पाते, हेटरोट्रॉपिक हैं। लेकिन एल्गी, ब्रायोट्रेडो, जिम्नो, एनजियो, ये कैसे लोग हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक होने का मतलब है ये लोग अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। तो तीसरी समस्या जो लीनियस की है वो ये है कि उन्होंने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई कर दिया। देखिए इससे पहले कि टाइम वेस्ट हो, हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं और समझते हैं पहला साइंटिस्ट कौन था। आपको मालूम है पहला साइंटिस्ट था लीनियस। लीनियस ने क्या किया? लीनियस ने क्लासीफाई, सॉरी, पहला साइंटिस्ट था अरिस्टोटल। किसने क्लासीफाई किया प्लांट को? हर्ब, श्रब और ट्री में। एनिमल को क्लासिफाई किया इनेमा और अनेमा में। इनेमा मतलब विद रेड ब्लड, अनेमा मतलब विदाउट रेड ब्लड। इसके बाद लीनियस नाम का साइंटिस्ट आते हैं, लीनियस जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लीनियस ने इस दुनिया को कहा कि दुनिया में केवल दो ही तरीके के लोग, या तो लोग प्लांट या तो लोग एनिमल। उनको प्लांट और एनिमल कहने के उनके अपने विचार थे। बोले प्लांट वो जिनके सेल में सेल वॉल है, प्लांट वो जिनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल वो जिनकी सेल में सेल वॉल नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन है। और आपके सामने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तक आए। और इसके बाद आप देखते हैं कि बेटा एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के मेंबर आए। और हमने बताया कि आपको तीन समस्याएं मिली लीनियस के क्लासिफिकेशन में। वन इज यूनिसेलुलर क्लासिफाइड विद मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक विद यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक विद हेटरोट्रॉपिक। ओके, अब आते कौन है? आरएच विटेकर साहब। सन आप देख लीजिएगा 1969। आरएच विटेकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया, और क्या खूब क्लासिफिकेशन किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करते वक्त उन्होंने इन सारी समस्याओं को ही खत्म कर दिया। अगर आप मेरे साथ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो देखिए कितना आसान है। पहला किंगडम हम सब जानते हैं, ये मोनेरा है। दूसरा किंगडम हम सब जानते हैं, इट इज प्रोटिस्टा, साबास। तीसरा किंगडम आप हम सब लोग जानते हैं, इट इज फंजाई। चौथा किंगडम हम सब जानते हैं, प्लांट। और पांचवा किंगडम हम सब जानते हैं, एनिमल। ये पांच किंगडम क्लासिफाई करते वक्त उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए,
उन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा को फंजाई प्लांट और एनिमल से अलग कर दिया, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर लोग हैं। कैसे लोग हैं? यूनिसेलुलर लोग। फंजाई प्लांट और एनिमल कैसे लोग हैं? मल्टीसेलुलर लोग। अगर आप लीनियस की समस्याएं देखें, ये लीनियस की समस्याएं थी, लीनियस कहते थे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, लेकिन विटेकर के किंगडम में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग हो गए। यूनिसेलुलर अलग, मल्टीसेलुलर अलग। बोलो कौन कौन? मोनेरा प्रोटिस्टा अलग, फंजाई प्लांट एनिमल अलग। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का क्लासिफिकेशन साथ में नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। ये विटेकर की खूबी है, जो लीनियस में प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी, दूसरी ये प्रॉब्लम खत्म, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम थी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। देखिए, उन्होंने मोनेरा को अलग क्लासिफाई किया, ये है प्रोकैरियोटिक, और बाकी सारे लोग इस दुनिया में प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एंड एनिमल ये सब कैसे लोग हैं? यूकैरियोटिक। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग कर दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्लासिफिकेशन अलग कर दिया। दूसरी समस्या भी सॉल्व हो गई। अब तीसरी समस्या देखने के लिए आप आएंगे फंजाई प्लांट एंड एनिमल में। आपको मालूम है प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। आपको मालूम है फंजाई इज हेटरोट्रॉपिक, ओके, एनिमल इज हेटरोट्रॉपिक। पर याद रखना दोनों के हेटरोट्रॉपिक कंडीशन में अंतर है। ये अपना खाना नहीं बना पाते, ये भी अपना खाना नहीं बनाते, प्लांट अपना खाना बना लेते हैं। ये अपना खाना नहीं बनाते तो खाते कैसे बेटा? सेप्रोफिटिक, सड़ी गली चीजें खाते हैं, ये सेप्रोफिटिक है। लेकिन एनिमल सड़ी गली चीजें नहीं खाते, ये होलोजोइक है, ये एनिमल की तरह प्रीडेशन करके खाते हैं, मार के खाते हैं, जिसके पांच स्टेप बोलो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। यस, आपको मालूम है इंजेशन, डाइजेशन, यस, इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, यस, एसिमिलेशन, इजेशन। ये पांच स्टेप में खाना लेने वाले लोग कौन? एनिमल। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन्होंने ऑटोट्रॉपिक अलग कर दिया, हेटरोट्रॉपिक अलग कर दिया, और ये तीसरी समस्या भी आर एच विटेकर ने समाप्त कर दी। तो जो लीनियस की समस्याएं थी उन समस्याओं को खत्म करके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यही बना। जो लीनियस की समस्याएं थी वो विटेकर का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना। देखो याद करो, दो तरीके के ग्रुप है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के हिसाब से। तो पहला बेसिस क्लासिफिकेशन हुआ, यस, इट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान सुनना, रट्टा मत मारना वरना बहुत मुश्किल में आओगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कुछ लोगों की बॉडी यूनिसेलुलर, कुछ लोगों की बॉडी मल्टीसेलुलर। अब बताओ यूनिसेलुलर कौन कौन? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर कौन कौन? फंजाई प्लांट और एनिमल। दूसरा, दूसरी विशेषता बनी टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में कुछ लोगों की सेल प्रोकैरियोटिक, कुछ लोगों की यूकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक। और तीसरा बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको बताता चलूं, जब ये तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप पूछे जाए, इन्हीं को सबसे ऊपर रखिएगा। इनमें भी सबसे ऊपर रखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2002 ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम, जिसमें ये तीनों ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन नन था। तो अब तीनों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेजर बेसिस किसे माना गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। याद रहेगा? तो याद रखना, ये तीन समस्याओं को खत्म करने के बाद आर एच विटेकर ने बाजी जीत ली, और आर एच विटेकर ने कहा कि जो लीनियस की समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करके वही मेरा विशेषता है, वही मेरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अलग अलग है। टाइप ऑफ सेल की बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अलग है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अलग है। इसके अलावा चौथा है सेलवाल। आपको मालूम है, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि बैक्टीरिया की जो सेलवाल है, मोनेरा में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेलवाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। तो याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। फंजाई की जो सेलवाल है वो किसकी बनी है? काइटिन की। आपको मालूम है प्लांट की सेलवाल सेलुलोज है और एनिमल में सेलवाल होती ही नहीं है। तो सेलवाल भी एक बेसिस बनता है। पहला बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टाइप ऑफ सेल, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा सेलवाल, पांचवा बेसिस बनता है रिप्रोडक्शन, और छठा बेसिस बनता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है बेटा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मैं कैमरा चेक कर रहा हूं, एक बार फिर से देखिए आप लोग। यस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला कौन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कौन? टाइप ऑफ सेल। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा सेलवाल। पांचवा रिप्रोडक्शन।
फाइलोजेनी। पर मैं आपसे बोलूंगा अगर कुछ ना दिया हो तो तीन ऑप्शन को सबसे ऊपर रखिएगा। 2015 या 16 का क्वेश्चन है जिसमें ये चार ऑप्शन दिए गए थे। यस, देखिएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लास, नॉट द बेसिस ऑफ। अब देखेंगे तो ये सब बेसिस है, लेकिन नॉट द बेसिस में अब ये सारे के सारे बेसिस है, लेकिन इनमें सबसे कम इंपॉर्टेंट बेसिस कौन सा है? रिप्रोडक्शन। तो उसका आंसर क्या जाना चाहिए था? रिप्रोडक्शन। खैर, मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं सेल वॉल, और इसके बाद फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो किसी भी क्वेश्चन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद देखिए भाई साहब, आर एच विटेकर पांच किंगडम बताते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ा दे रहा हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, फंजाई प्लांट एंड एनिमल मल्टीसेलुलर है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी लोग यूकैरियोटिक हैं। फंजाई प्लांट और एनिमल को मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अलग अलग किया गया, जिसमें से प्लांट ऑटोट्रॉपिक, फंजाई हेटरोट्रॉपिक, एनिमल हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक एनिमल में होलोजोइक होया, और बेटा आपको फंजाई में क्या मिला? सेप्रोफिटिक कंडीशन मिली। आपको मालूम है लीनियस की तीन समस्याएं थी, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ क्लासीफाई कर दिया गया था, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ, और ऑटोट्रॉपिक को हेटरोट्रॉपिक को के साथ। उसी समस्याओं को सॉल्व करके आर एच विटेकर ने बाजी मारी, और उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा? बोलो, पहला बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। दूसरा टाइप ऑफ सेल, या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा सेल वॉल। पांचवा रिप्रोडक्शन। इसके बाद फाइलोजेनी। पेज नंबर अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठे तो 17 देखिए। 17 पेज में उन्होंने कुछ पांच करेक्टर दिए हैं। पहला करेक्टर है सेल वॉल, देख लीजिए। दूसरा करेक्टर है पहला है सेल टाइप। पहला करेक्टर पेज नंबर देखिए सेल टाइप, दूसरा है सेल वॉल, सेल टाइप, दूसरा है सेल वॉल। आप जल्दी जल्दी देखिए। तीसरा है यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यस। चौथा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने मन से करें, रट्टा ना मारें। और पांचवा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप ये भर पाए तो मैं समझूंगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो सही है। किंगडम में लिख दे रहा हूं मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमल। मैं जो जो पूछता जाऊंगा वो बताते जाइए। सेल टाइप, सेल टाइप में आपको बताना है कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट। यस, मोनेरा इज प्रोकैरियोट, बाकी सारे कैसे लोग हैं? बोलो कैसे लोग हैं? यूकैरियोट है। खत्म। सेल वॉल, यस मोनेरा पेप्टाइडोग्लाइकन का है, तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल का मतलब है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है इनके पास। यस, प्रोटिस्टा चूंकि बेटा प्लांट भी है, मे बी प्रेजेंट मे बी अब्सेंट। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, अब्सेंट भी हो सकती है। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल है, नॉन सेलुलोजिक है, आपको याद रखना पड़ेगा नॉन सेलुलोजिक है। प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल है, ये याद रखना पड़ेगा। और एनिमल में नो सेल वॉल, अब्सेंट, माइनस का मतलब अब्सेंट है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब प्रोकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब है अब्सेंट। बाकी सब जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाकी सब लोग यूकैरियोटिक हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद बताइए मोनेरा कैसा है? यूनिसेलुलर। यस, प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर। बताइए फंजाई कैसा है? मल्टी सेलुलर। बताइए प्लांट कैसा है? मल्टी सेलुलर। एनिमल कैसा है? मल्टी सेलुलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप ही बताइए। वेरियस, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकार का न्यूट्रिशन अगर कोई करता है तो मोनेरा। ये क्वेश्चन कम से कम चार बार पूछा गया है। मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन मोनेरा। वेरियस, प्रोटिस्टा में भी वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, लेकिन फंजाई में हम सबको मालूम है इट इज हेटरोट्रॉपिक एंड सेप्रोफिटिक। प्लांट में कैसा पाया जाएगा? ऑटोट्रॉपिक। और एनिमल में पाया जाएगा हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक। जो लोग इसे रट रहे हैं उन्होंने एक्चुअली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को कभी ध्यान से समझा ही नहीं। अगर रट्टा नहीं मार रहे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझ लिया है। याद रहे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के चार्ट और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस मैंने आपके सामने रख दिए। एक बार जब तक मैं मिटा रहा हूं बताइए, पहला कौन? मोनेरा। दूसरा कौन? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन? फंजाई। चौथा प्लांट। पांचवा एनिमल। यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर कौन? फंजाई प्लांट एंड एनिमल। प्रोकैरियोट कौन? मोनेरा। बाकी सब यूकैरियोट। प्लांट कैसा? ऑटोट्रॉपिक। एनिमल कैसा? हेटरोट्रॉपिक। फंजाई कैसा? हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक होलोजोइक एनिमल, हेटरोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक
यस इट इज फंजाई। मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको किंगडम बताना पड़ेगा। यस यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक प्लांट, मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक होलोजाइक एनिमल, मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक फंजाई। आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ गए। इसके बाद हमारे पास अगला मेन किंगडम है मोनेरा। हम लोग याद रखेंगे, हम लोग को डिटेल में पढ़ना है मोनेरा। सोल मेंबर ऑफ मोनेरा इज, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया, याद रखना है। इसके बाद जब कभी कोई भी किंगडम पढ़े, चाहे मोनेरा चाहे प्रोटिस्टा चाहे फंजाई चाहे प्लांट चाहे एनिमल, आपको ये 8 पॉइंट कभी नहीं भूलने। जो लोग ये 8 पॉइंट भूल जाते हैं वो लोग कभी भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे, रट्टा ही मारते रहेंगे। पहला पॉइंट हमें पढ़ना हैबिट एंड हैबिटेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ना है हमें फॉर्म, और ये फॉर्म किसकी पढ़नी है, मोनेरा की। तीसरा पॉइंट पढ़नी है मॉर्फोलॉजी। मैं इन्हीं 8 पॉइंट पर पूरा प्लांट किंगडम आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा। चौथा पॉइंट पढ़नी है एनाटॉमी इफ रिक्वायर, अगर जरूरी है तो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है। याद रखना पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा फॉर्म, तीसरी मॉर्फोलॉजी, चौथी एनाटॉमी, पांचवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सातवां आप पढ़ेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये दुनिया में किस इंपॉर्टेंस की वजह से आए हैं, और आठवां पॉइंट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी किंगडम को डिटेल पे पढ़ पाते हैं। चलो सारे लोग बिना देखे मुझे बताएंगे, अगर बिना देखे बता गए तो काम बन जाएगा। चलो पहला पॉइंट, यस कहाँ रहते हो तुम, हमसे मुझसे मिलो, पूछो सर कहाँ रहते हो, आपका फॉर्म क्या है, फॉर्म का मतलब आप यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, फिर पूछो सर आप दिखते कैसे हो, मॉर्फोलॉजी कैसी है, मन करे तो काट कर कर लीजिए, एनाटॉमी कैसी है, फिर पूछिए क्या खाएंगे, यस वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लड़के बच्चे कितने हैं आपके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आप इस दुनिया में बोझ बढ़ाने आए हैं कि क्या करने आए हैं, आपका इस दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस है, और आप जैसे और कितने लोग हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। एक बार और मेरे साथ प्लीज, क्योंकि बार बार मैं नहीं लिख पाऊंगा। यस नंबर वन हैबिट एंड हैबिटेट, नंबर टू यस फॉर्म, नंबर थ्री मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर खाया, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फिर यस क्लासिफिकेशन। अब आप देखिए मैं इन 8 पॉइंट पे पूरे मोनेरा को बताता हूं। मोनेरा का हैबिट एंड हैबिटेट, इट इज कॉस्मोपॉलिटन, दुनिया में हर जगह मिलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, ये लैंड में मिलेंगे बैक्टीरिया, एयर में मिलेंगे आपको, वाटर में मिलेंगे, इवन आपको ये एसिड में मिल जाएंगे, कुछ बेस में मिल जाएंगे, कुछ सॉल्ट में मिल जाएंगे, इवन आपके दांत में मिल जाएंगे, आंत में मिल जाएंगे, हाथ में मिल जाएंगे। आपको आंत का बैक्टीरिया ई कोलाई मतलब कोलोन में रहने वाला एस्चेरिचिया कोलाई, यानी दुनिया में कहीं पर मिल जाएंगे। फॉर्म अगर कोई पूछे तो बोलिए सर ये जनरली यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मॉर्फोलॉजी देखने गए तो इनकी शेप्स मिलेंगी। अब आपको शेप्स याद करनी क्योंकि एनसीईआरटी दी गई है शेप्स के बारे में। अगर गोल गोल है तो स्फेरिकल है, रॉड शेप्ड है, यस इसके अलावा कॉमा शेप्ड है, इसके अलावा स्पाइरल शेप्ड है। अब आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये बेटा गोल गोल है तो कॉकस बोले जाएंगे, कॉकस कोकाई, अगर रॉड शेप्ड है तो बोले जाएंगे बेसिलाई, अगर कॉमा शेप है तो बोले जाएंगे विब्रियो, और अगर बेटा ये स्पाइरल है तो बोले जाएंगे स्पाइरुलम। याद रखना इनमें फ्लैजला भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्लैजला प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। खैर एनसीईआरटी हमें अलाउ नहीं करती कि हम और डिटेल में बैक्टीरिया जाने। हमने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लिया, फॉर्म पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। मॉर्फोलॉजी पढ़ते वक्त हमने 4 शेप पढ़ी, पहला कौन गोल गोल स्फेरिकल कॉकस, फिर रॉड शेप्ड बेसिलाई, फिर कॉमा शेप्ड विब्रियो, फिर स्पाइरल इज स्पाइरलम। एनाटॉमी हमारे कोर्स में है नहीं, बचता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल एंड क्लासिफिकेशन। मैं इन चारों पॉइंट को एक साथ डिस्कस करता हूं, एक साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्लासिफिकेशन से चलेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। चलिए बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास
पेज और पेन नहीं है तो उठा लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग अलग जगह लिखा, मैंने एक साथ कंपाइल किया। चलिए, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं मैं। बैक्टीरिया दुनिया में दो प्रकार के, नंबर वन इज नोन एज आर्की बैक्टीरिया, नंबर वन इज नोन एज आर्की बैक्टीरिया, नंबर टू इज नोन एज यू बैक्टीरिया। बहुत आसानी से सुनिए, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्काई शब्द होता है धरोहर के लिए, धरोहर वो होती है जो पुरानी हो, आर्की बैक्टीरिया मतलब वो धरोहर ही बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, इनसे पुराना इस दुनिया में कोई नहीं है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। आर्की बैक्टीरिया को टोटल तीन मेन क्लासेस में बांटा गया, वन इज नोन एज हैलोफाइल्स, ये सॉल्ट लविंग होते हैं, हाई सॉल्ट कंडीशन में रखते हैं, दूसरे होते हैं थर्मो एसिडोफिल, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, थर्मो एसिडोफिल्स ये हाई टेम्परेचर और एसिड में मिलते हैं। इसके अलावा मिथेनोजेंस, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये गोबर गैस में मिलेंगे, ये एनएरोबिक कंडीशन में मिलेंगे, जहां जहां पर आपको ऑक्सीजन ना हो, और ये मीथेन पैदा करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मिथेनोजेन। आर्की बैक्टीरिया दुनिया में सबसे हार्श कंडीशन, इतनी बुरी बुरी कंडीशन में पाए जाते हैं, एसिड में मिल जाएंगे, सॉल्ट में मिल जाएंगे, एनएरोबिक कंडीशन में मिलेंगे। अब यू बैक्टीरिया, बहुत ध्यान सुनिएगा, यू बैक्टीरिया दो प्रकार के, एक ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वो जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सके, अपना खाना खुद बना ले, दूसरे कौन से, हेटरोट्रॉपिक, ऐसे लोग जो अपना खाना ना बना पाए वो कौन कहलाएंगे, हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक फर्दर दो प्रकार के, वो लोग जो अपना खाना सनलाइट से बनाए, इन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, वो लोग जो फोटोसिंथेसिस कर ले उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। दूसरे तरीके के होते हैं भाई कीमो ऑटोट्रॉप, ये अपना खाना लाइट से नहीं बनाते बल्कि केमिकल से बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप के एग्जांपल है, मैं बता दूं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, आपको मैंने पढ़ाया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम पर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम पर ये कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉप वो हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया ही फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की, एक ऑक्सीजन निकालेगी और एक में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, एक होगा ऑक्सीजनिक और एक होगा एनऑक्सीजनिक। याद रखना, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन की बजाय सल्फर निकालते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन निकालने वाला बैक्टीरिया इट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन निकाली। अब साइनोबैक्टीरिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया बेटा कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहने का मतलब है ये मल्टी सेलुलर जैसी कंडीशन पाई जाती है। मैं साइनोबैक्टीरिया बना रहा हूं, इनमें एक सिस्ट पाई जाती है, नाम है हेट्रोसिस्ट, और ये जो हेट्रोसिस्ट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है। कई बार एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर इनके चारों तरफ वाली प्रेजेंट होने वाली सीथ का नाम क्या है, यस इट इज नोन एज म्यूसिलेज सीथ। कई बार लोग पूछते हैं सर कुछ बुक में जेलेटिनस लिखा हुआ, अरे पागलों, म्यूसिलेज एक जेल है और जेल की सीथ इट इज नोन एज जेलेटिनस सीथ। तो याद रखना, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, याद रहे नॉस्टॉक और सिंथेसिस नहीं कर पाते, इनमें से कुछ यूजफुल हैं कुछ हार्मफुल हैं। याद रखना, यूजफुल बैक्टीरिया में आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। अब आप ही बताइए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, साइनोबैक्टीरिया नहीं, साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम का नाम सुना होगा आपने, यस एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया। अब कुछ लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक सब पेनिसिलियम से बनती, थप्पड़ पड़ेगा, पेनिसिलियम इज अ फंजाई, एंटीबायोटिक बनाने वाला बैक्टीरिया इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी तरह हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपको डिसीज कॉज, जैसे टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड एटसेट्रा, ये जो बीमारियां हैं ये आपको हेटरोट्रॉपिक हार्मफुल बैक्टीरिया से होती हैं। सी, बैक्टीरिया खत्म। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है माइकोप्लाज्मा। कोई बताए मुझे माइकोप्लाज्मा क्या, इतनी बार पढ़ा है, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, पहला पॉइंट। दूसरा पेन यूज कर रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होने के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए ये विदाउट सेल वॉल है, ये सेल वॉल नहीं पाई जाती माइकोप्लाज्मा में, एंड एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में रह जाता है। एक क्वेश्चन जो इससे बहुत बनता है,
पेनिसिलियम नाम का एंटीबायोटिक जो होता है, पेनिसिलियम नाम का एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को नहीं मार पाता। क्यों? क्योंकि पेनिसिलियम नाम का एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करता है और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है नहीं, इसलिए पेनिसिलियम अगर माइकोप्लाज्मा में डालोगे तो माइकोप्लाज्मा मरेगा नहीं। तो कई बार बोलते हैं कि पेनिसिलियम रेजिस्टेंट बेटा कौन सा होता है, तो आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा। और इसके अलावा कोई पूछे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होता, एंटीबायोटिक दूसरी एंटीबायोटिक से मर जाता है। याद रहेगा आपके सामने इतना बड़ा टॉपिक है जो मैंने बैक्टीरिया का चार्ट आउट किया है, मैं देख लेता हूं आपका वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। यस, अगर आपने इसे पढ़ बिना देखे बता दिया तो मजा आ जाएगा। चलो बैक्टीरिया बोलो कितने प्रकार के, एक पुराने बैक्टीरिया, इसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, एक एक करके निपटाते हैं। आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है, हैलोफाइल्स है, हैलोफाइल्स का मतलब सॉल्ट लविंग थर्मोएसिडोफाइल्स है जो कि बेटा एसिड में रहते हैं, मिथेनोजेन है जो बेटा एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं और मीथेन पैदा करते हैं। इसके बाद यू बैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया दो प्रकार के आते हैं, यस, एक ऑटोट्रॉपिक दूसरे हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो लोग हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। खाना दो तरीके से बन सकता है, फोटोसिंथेसिस से या कीमोसिंथेसिस से। कीमोसिंथेसिस वाले कीमो ऑटोट्रॉप नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर, यस। फोटोसिंथेसिस वाले दो प्रकार के, ऑक्सीजन वाले बिना ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन निकालने वाले साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजन ना निकालने वाले ग्रीन बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया। ऑक्सीजन निकालने वाले साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया, कॉलोनियल फॉर्म होंगे, म्यूसलेस सीथ होगी, हेट्रोसिस्ट होगी, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे उसी हेट्रोसिस्ट पे। नॉस्टॉक और एने बिना इनके बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूजफुल और हार्मफुल में जाएंगे। यूजफुल बैक्टीरिया वो होंगे जो बेटर नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, राइजोबियम एग्जाम्पल है उसका। एंटीबायोटिक बनाएंगे, आपको मालूम है क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएगा हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो आपको डिसीज कास करेंगे, टीबी वाला बैक्टीरिया, यस, ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, टिटनेस वाला बैक्टीरिया, डिफ्थीरिया वाला बैक्टीरिया, कितने सारे बैक्टीरिया हैं जो आप डॉक्टर बनकर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा एनारोबिक कंडीशन में एक सबसे छोटा प्राणी है, इससे छोटा प्राणी दुनिया में कोई नहीं है, वायरस इससे छोटे हैं लेकिन वो लिविंग नहीं, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिना सेल वॉल का है। पेनिसिलियम डालने से मरेगा नहीं क्योंकि पेनिसिलियम सेल वॉल को मार देती है और इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ओके, अब इसके बाद किंगडम मोनेरा खत्म। मैंने मोनेरा पांच किंगडम में मोनेरा को समझा दिया जो आपकी बुक में दिया था। दूसरा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। आपको याद रखना पड़ेगा प्रोटिस्टा इज अ रेफ्यूजी कैंप। इस शब्द को अगर आप याद रख लेंगे तो रट्टा नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो ये एकदम अलग है, लेकिन बाकी चारों किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि मैं बोलूं फंजाई तो आप कहोगे सर फंजाई तो सर यूकैरियोटिक है, मैं बोलूं प्लांट आप बोलोगे सर प्लांट तो सर यूकैरियोटिक, मैं बोलूं एनिमल तो आप बोलेंगे एनिमल भी सर यूकैरियोटिक है। लेकिन फंजाई प्लांट और एनिमल की खास बात है कि ये मल्टी सेलुलर है, याद रखना मल्टी सेलुलर। कैसे है? मल्टी सेलुलर। और मोनेरा कैसा है? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा भी कैसा है? यूनिसेलुलर। अब आपको लगेगा मोनेरा ठीक, फंजाई ठीक, प्लांट ठीक, एनिमल ठीक, ये प्रोटिस्टा क्या बला है? मैंने शब्द लिखा रिफ्यूजी कैंप। सुनो, फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर कैन बी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर हुए तो फंजाई किंगडम में रहेंगे। अब यूनिसेलुलर फंजाई कहां जाए? क्योंकि फंजाई में रहने के लिए विटेकर साहब कहते हैं आपको मल्टीसेलुलर होना पड़ेगा। तो भैया यूनिसेलुलर फंजाई को किक किया गया कहां पर? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा कैन बी फंजाई लाइक, प्रोटिस्टा फंजाई लाइक हो सकता है। जाओ फॉर एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ओके, अब प्लांट कैन बी यूनिसेलुलर कैन बी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर प्लांट है तो यहां, लेकिन यूनिसेलुलर है जैसे कि क्लोरेला और क्लाइमेटोमोनास, तो वो बेचारे कहां जाए? तो वो प्रोटिस्टा में जाएंगे। तो प्रोटिस्टा कैन बी प्लांट लाइक, प्लांट की तरह प्रोटिस्टा हो सकता है। तो जो लोग प्लांट से भगाए गए वो कहां गए? प्रोटिस्टा में। जो फंजाई से भगाए गए वो कहां गए? प्रोटिस्टा में। अब एनिमल से कोई भगाया गया यूनिसेलुलर भी हो सकता है एनिमल, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो यूनिस बेटा किंगडम में रह गया। अब यूनिसेलुलर वाला बंदा कौन है? वो एनिमल लाइक हो गया और प्रोटिस्टा में आ गया। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी आइडिया है तो आप याद करें, बताइए क्या एल्गी यूनिसेलुलर हो सकते हैं? यस,
जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो प्लांट से भगा दिए जाएंगे। अब प्लांट लाइक में एग्जांपल आएगा क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजेलेट, याद रखना क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजेलेट, ये प्लांट लाइक लोग हैं। इसके बाद आया एनिमल लाइक, एनिमल लाइक में प्रोटोजोआ नाम का बेटा एनिमल हुआ करता था जिसमें अमीबा और पैरामीशियम हुआ करते थे, वो यूनिसेलुलर तो उन्हें किक किया गया तो एनिमल लाइक ये हुआ प्रोटोजोआ। तो जो लोग रट्टा मारते हैं मारे हमारे बच्चों को मालूम है प्रोटिस्टा तो रिफ्यूजी कैंप है, जो अपने घर से भगा दिया गया वो प्रोटिस्टा में आके कूद गया। बताओ फंजाई से भगाया गया कौन, स्लाइम मोल्ड, कहां पर आ गया प्रोटिस्टा में। प्लांट से भगाया गया कौन, क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजेलेट। इनकी क्या गलती थी, ये दोनों यूनिसेलुलर थे इसलिए भगा के प्लांट में यहां पर भेजे गए प्रोटिस्टा में। एनिमल से भाग गया भगा दिया गया प्रोटोजोआ। इनमें से एक बेचारा यूग्लिना है, अब यूग्लिना कह रहा है कि ना तो मैं प्लांट जैसा ना तो एनिमल जैसा, मैं दोनों जैसा, इट इज प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइक, ये प्लांट और एनिमल के दोनों के करेक्टर रखता है। तो कुल मिलाकर प्रोटिस्टा में टोटल कितने क्लासेस आ गए, तो जो लोग रट्टा नहीं मार रहे होंगे वो याद कर लेंगे प्रोटिस्टा में कौन कौन से क्लासेस आपकी बुक में दिए हैं। अगर आप प्रोटिस्टा की क्लासेस मुझे बता देंगे इस तरफ लिखते वक्त उधर बिना देखे हुए, यस हम सबको मालूम है प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा जो प्लांट की तरह है, इसके अलावा डाइनोफ्लैजेलेट्स जो प्लांट की तरह है याद रखना, इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा स्लाइम सॉरी यूग्लिनॉइड, यूग्लिना जो बेटा प्लांट और एनिमल दूसरे जैसा है, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स और इसके अलावा प्रोटोजोआ, और कुल मिलाकर के पांच तरीके के क्लासेस यहां पर आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसे हटा रहा हूं, आप समझते जाइए आगे बढ़ते जाइए। चलिए एक बार फिर से मुझे बताइए प्रोटिस्टा की खास बात। आप बोलिए प्रोटिस्टा सर यूनिसेलुलर है, यू बाई सी का मतलब यूनिसेलुलर है, सर ये यूकैरियोटिक है। आप लोग अगर बहुत लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं प्रोटिस्टा को, तो प्रोटिस्टा की अपनी कोई पहचान नहीं, अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, इसमें जो फंजाई से भगाया गया, प्लांट से भगाया गया, एनिमल से भगाया गया यहां पर आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, प्रोटिस्टा क्या मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, यूकैरियोट क्या इसमें फंजाई जैसे लोग है, यस स्लाइम मोल्ड है, प्लांट जैसे लोग है, यस क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजेलेट है, क्या इनमें बेटा एनिमल जैसे लोग हैं, यस प्रोटोजोआ हैं, और क्या इनमें एनिमल और प्लांट के बीच का कॉम्बिनेशन भी है, यस इनमें बेटा यूग्लिना भी है। अब मैं एक-एक करके सबको पढ़ाता हूं प्रोटिस्टा में, एक-एक करके मैं सबको पढ़ाते जा रहा हूं। प्रोटिस्टा का पहला मेंबर है यस क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा याद रखना, इसे दो ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो इसमें डेसमिड्स पाए जाते हैं, दूसरे डायटम्स पाए जाते हैं। हम सबको मालूम है डायटम यूनिसेलुलर है, एक कोश की है, लेकिन इनकी सेल वॉल सोप केस जैसी होती है, सोप केस जैसी होने की वजह से इनमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, सिलिका बालू का डिपोजिशन होता है, और सिलिका के डिपोजिशन होने की वजह से मर जाने के बावजूद भी डायटमेसियस अर्थ बनाते हैं, डायटमेसियस अर्थ बनाते हैं। और ये जो फिल्टरेशन ऑफ सिरप, इसके अलावा पॉलिशिंग के काम आएगी डायटमेसियस अर्थ, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ, तो सिलिका से डायटमेसियस अर्थ बनेगी। इसके अलावा क्राइसोफाइटा के मेंबर दे आर द चीफ प्रोड्यूसर, मुख्य प्रोड्यूसर हैं ओशियन में, ओशियन में इनसे बड़ा फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई मेंबर नहीं है। क्राइसोफाइटा का मेंबर में यही दो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, एक तो चीफ प्रोड्यूसर है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, दो लोग हैं, एक डेस्मिट से जिन्हें गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डायटम से, डायटम की दो सेल वॉल एक दूसरे पर बालू की तरह, उसमें बालू डिपॉजिट है, सिलिका है। बेटा डायटम मर जाएगा लेकिन बेटा उसकी एक अर्थ बनेगी डायटमेसियस अर्थ, और उस डायटमेसियस अर्थ से एमिशन एंड पॉलिशिंग। इसके अलावा ये चीफ प्रोड्यूसर है। इसके बाद आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये भी नहीं भूलना है, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी बेटा ये एल्गी जैसे मेंबर ही हैं, एल्गी जैसे मेंबर हैं, और इनमें दो प्रकार के फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक बेटा हॉरिजॉन्ट, एक वर्टिकल फ्लैजेला है, ये वर्टिकल है या लॉन्गिट्यूडल है, और एक हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला है। दो फ्लैजेला होने की वजह से इन्हें हम लोग डाइनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। वेरियस कलर के पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, पर्पल भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, चूंकि ये प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक दो ही लोग थे प्रोटिस्टा में, क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैजेलेट। बस इनकी खास बात है कि ये बेटा टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, और इन टॉक्सिन रिलीज होने की वजह से मास डेथ ऑफ एनिमल होती, मास डेथ इन ओशियन, ओशियन में मास डेथ है, और इसके वजह से एक क्वेश्चन बनता है गायनोलॉक्स का,
ये जो ग्याना लॉक्स है इस मेंबर को हम लोग रेड टाइड के नाम से बोलते हैं। रेड टाइड के नाम से क्यों? क्योंकि जब ये ग्रोथ करता है तो ये पूरे के पूरे समुद्र में फैल जाता है, और जब बेटा ज्वार भाटा आते हैं तो उसमें रेड कलर की टाइड बनती है, साथ में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज करने की वजह से मरने वाली जो फिशेस होती हैं, जैसे टाइड के समय पर मछलियां मरती हैं, वैसे यहां पर भी बेटा मछलियां और दूसरे प्राणी मर जाते हैं। तो क्राइसोफाइटा हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट हो गया। इसके बाद तीसरा मेंबर है बेटा प्रोटिस्टा का यूग्लिना। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तीसरा मेंबर है यूग्लिना। एक खास बात है यूग्लिना की कि यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यस। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल अब्सेंट होती, पहली बात। लेकिन सेल वॉल जैसे मिलती जुलती एक स्ट्रक्चर होता है, नाम है पेलिकल, जो कि प्रोटीन की लेयर होती है। तो पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेलिकल आप नहीं भूलेंगे। इसके पास अपने न्यूक्लियस होते हैं, साथ में इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या खतरनाक प्राणी है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल होती है। और अगर क्लोरोफिल होती है तो याद रखना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्लांट जैसे प्रतीत होते हैं कि ये प्लांट ही तो है। लेकिन इनके पास दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजला, एक स्मॉल फ्लैजला। याद रखना अंधेरे में, डार्क कंडीशन में जब सनलाइट नहीं होगी तो ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो इन फ्लैजला की मदद से ये प्रीडेशन करते हैं। प्रीडेशन करने के बाद ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। इसका मतलब अगर धूप होगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सनलाइट नहीं होगी तो एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। तो अब आपको लगेगा इनके बीच, इनमें प्लांट और एनिमल दोनों के करैक्टर है। तो यूग्लिनाइड, यूग्लिनाइड का मेंबर है। याद रखना सेल वॉल नहीं होती है, पेलिकल होती है, ये याद रखने वाली चीज है। आगे चलेंगे, हम लोगों ने यूग्लिना पढ़ लिया, इसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड। बस आपको इतना ही याद रखना है कि स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक प्रोटिस्टा है, फंगस लाइक प्रोटिस्टा है। बस आप इतना याद रखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। इनकी एक वेजिटेटिव बॉडी होती है जो एवर ग्रोइंग होती है। वेजिटेटिव जो बॉडी होती है, ये वेजिटेटिव बॉडी मल्टी न्यूक्लियेटेड वेजिटेटिव बॉडी होती है। इस वेजिटेटिव बॉडी को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। याद रखना ये प्लाज्मोडियम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, इनकी वेजिटेटिव बॉडी का नाम है। ये वेजिटेटिव बॉडी बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाती जाती है और अपना साइज बढ़ाती जाती है। याद रखना ये सेप्रोफिटिक है, फंगस लाइक है। लेकिन एडवर्स कंडीशन आने पर इनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती, और इन फ्रूटिंग बॉडी से निकलते हैं स्पोर्स। बड़ी खास बात है कि जो इनकी प्लाज्मोडियम बॉडी है इसमें विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल अब्सेंट है, लेकिन इनके स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए बॉडी में सेल वॉल नहीं है लेकिन स्पोर में सेल वॉल है, ऐसा कौन सा प्राणी है? इट इज नोन एज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा का मेंबर है, और इसके बाद एग्जांपल खत्म होते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज प्रोटोजोआ। पांचवा मेंबर प्रोटिस्टा का है प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल। ये प्रिमिटिव एनिमल है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर इन एनिमल को इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से बांटा गया, जिन ऑर्गन से ये मूव कर सकते हैं उन ऑर्गन के हिसाब से बांटा गया। यस, जैसे एक ग्रुप है अमीबॉइड ग्रुप वाले बंदे स्यूडोपोडिया बना करके मूव करते हैं, स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन करते हैं। तो पहला ग्रुप है अमीबॉइड, इसका एग्जांपल है अमीबा और एंटमीबा। दूसरा ग्रुप है सीलिएटा, याद रखना सीलिया पाए जाते हैं, पैरामीसियम इसी का मेंबर है सीलिएटा। इनके पास सीलिया नाम के बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, पैरामीसियम इसका एग्जांपल है। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो दो न्यूक्लियस वाला मेंबर है, टू न्यूक्लियस वाला मेंबर है। इसके अलावा स्लीपर लाइक बॉडी, जैसे स्लीपर होता है वैसी बॉडी है पैरामीसियम की, ठीक है। अमीबॉइड हो गया, पैरामीसियम हो गया। इसके अलावा होते हैं फ्लैजलेटा, फ्लैजलेटा वो मेंबर होते हैं जिनके पास फ्लैजला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इनका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा।
और ट्रिपैनोसोमा वो मेंबर है जिनसे स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, ये याद रखना, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी। एंड द लास्ट मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ दे आर नोन एज स्पोरोजोआ, बहुत ही स्पेशल मेंबर है, लास्ट मेंबर। अगर मैं इसे एक बोलूं, इसे दो बोलूं, इसे तीन बोलूं और ये चार बोलूं, तो दीज आर विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि ऑल आर पैरासाइट, सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट होने की वजह से इनमें लोकोमोशन नहीं दिया जाता। इनमें से एक मेंबर है प्लाज्मोडियम, अभी अभी मैंने प्लाज्मोडियम शब्द एक बार और यूज किया था, अभी अभी मैंने स्लाइम मोल्ड की वेजिटेटिव बॉडी का नाम भी प्लाज्मोडियम रखा था, लेकिन यहां पर जो प्लाज्मोडियम है ये ऑर्गेनिज्म है, और यही प्लाज्मोडियम है जिसे हम लोग मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, इसी की वजह से हम सबको मलेरिया होता है। मच्छर काटने पर मच्छर हमारी बॉडी में जिस प्राणी को छोड़ता है वो है प्लाज्मोडियम। इसका मतलब मलेरिया कैसी डिसीज हुई, बैक्टीरियल डिसीज की प्रोटोजोअल, प्रोटोजोअन डिसीज हुई, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज हुई। याद रखना प्रोटोजोआ के चार ग्रुप, यस, पहला ग्रुप अमीबॉइड, अमीबा जैसे जो सूडोपोडिया से चलते हैं, दूसरा सीलिएटा, पैरामीशियम इनके एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है फ्लैजलेटा, ट्रिपैनोसोमा इनके एग्जांपल है, चौथा है स्पोरोजोआ जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है तो इसका मतलब है ये पैरासाइट है, और पैरासाइट के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो मैंने अभी अभी दो किंगडम आपको डिटेल में पढ़ा दिए, एक तो पोरेरा पढ़ा दिया, दूसरा प्रोटिस्टा पढ़ा दिया। तीसरा किंगडम जो हमारी डिटेल में आता है इट इज फंजाई। पहले बात तो फंजाई की परिचय आप ही हमें बता दें। सर फंजाई इज मल्टी सेलुलर, क्योंकि बेटा विटेकर कहते हैं कि फंजाई प्लांट और एनिमल ये मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होने चाहिए, मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लोग है। फंजाई इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, इसके अलावा ये लोग हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, और साथ में सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक होने का मतलब है ये अपने खाने में सड़ी गली चीजें खाते हैं। एक बार मैं वीडियो चेक कर रहा हूं, गुड, वीडियो सही है। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक प्राणी है ये। सेप्रोफिटिक प्राणी का मतलब है सड़ी गली चीजें खाते हैं, और मैंने 8 पॉइंट आपको पढ़ाए थे। पहला पॉइंट हैबिटेट, एक एक करके पढ़ते जाओ, ये कहां रहते हैं, ये है कॉस्मोपोलिटन फंगस। मैंने बोला था हर एक चीज को मैं 8 पॉइंट में ही पढ़ाने वाला हूं। हैबिटेट कॉस्मोपोलिटन, ये लैंड में पाए जा सकते हैं, वाटर में पाए जा सकते हैं, एयर में पाए जा सकते हैं। कॉस्मोपोलिटन का मतलब ही होता है सर्वव्यापी, ये ऐसी ऐसी जगह पर पाए जा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ब्रेड में पाए जा सकते हैं, ब्रेड मोल्ड के रूप में, यस, यही वो फफूंद है जो हमारे अचार में लग जाती है, ब्रेड में लग जाती है। इसके अलावा ये फ्रूट में पाए जाते हैं, फ्रूट रॉट, जैसे ऑरेंज में बेटा फफूंद लग जाती है, ऑरेंज रॉट के रूप में पाए जा सकते हैं। ये मिल सकते हैं आपको, यस, ये मिल सकते हैं मशरूम के रूप में आपको, मशरूम के अलावा ये टोड स्टूल के रूप में मिल सकते हैं आपको। ये कुकुरमुत्ते हैं जो गांव में बरसात में बहुत ग्रो कर जाते हैं, मशरूम छत्तीदार। इसके अलावा आपको ये मिल सकते हैं रस्ट के फॉर्म में, रस्ट किससे होती है, पक्सीनिया से, आपको याद होगा। ये आपको स्मट के फॉर्म में मिल सकते, इवन ये एनिमल के बॉडी में रह सकते हैं, हम लोग की बॉडी में रह सकते हैं, यस, ये रिंग वॉर्म के रूप में मिल सकते हैं। तो ये दुनिया में हर जगह मिल सकते हैं, आपके हेयर्स में रह सकते हैं, डेंड्रव के रूप में रह सकते हैं। तो फंगस भैया बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने हैबिटेट पढ़ाया, 8 पॉइंट आपको डिस्कस करने। पहला पॉइंट हैबिटेट हो गया, दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फॉर्म। आप मुझे पहले ही बता चुके हैं फॉर्म, दे आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर लोग हैं, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन भी है, यस, इनमें से एक मेंबर यूनिसेलुलर भी है। आप लोग जानते हो इस यूनिसेलुलर बंदे का नाम क्या है, ईस्ट। अदरवाइज ज्यादातर फंगस कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, और साथ में ये लोग हैं यूकैरियोटिक। भूलिएगा मत, मैंने दो टॉपिक पढ़ाए हैं अभी भी फंजाई के, हैबिट एंड हैबिटेट एंड फॉर्म, हैबिट एंड हैबिटेट एंड फॉर्म। ये पढ़ाने के बाद 6 पॉइंट अभी पढ़ाने बाकी हैं, मैं फंजाई से रिलेटेड वो 6 पॉइंट भी आपके सामने डिस्कस करता हूं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, चलो। हैबिट एंड हैबिटेट हो गया, फॉर्म हो गया, नाउ द मॉर्फोलॉजी। फंजाई की मॉर्फोलॉजी क्या होगी सर, वो बताइए मुझे। यस, बहुत आसान है, फंजाई की जो मॉर्फोलॉजी है वो थैलस लाइक है, यानी कि इनकी बॉडी थैलस जैसी है, जिसमें रूट स्टेम लीफ का
कोई डिफरेंसिएशन नहीं है। और ये थैलस जो बना है वो माइसीलियम से बना, अभी मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, और माइसीलियम जो बना है वो हाइफा से बना है। अगर कोई पूछे व्हाट इज हाइफा, तो बताइए ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। और याद रखना इन हाइफा की सेल वॉल काइटिन की बनी है। कैसी बनी है? काइटिन की। जब ये हाइफा हाइफा आपस में नेटवर्क, चेन लाइक नेटवर्क बनाते हैं, चेन लाइक नेटवर्क बनाते हैं, इसे बोलते हैं माइसीलियम। फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? माइसीलियम। और यही माइसीलियम आगे चल के फंगस का बना देती है थैलस। तो मान लो आप मशरूम देख रहे हैं, तो मशरूम में एक्चुअली आप थैलस देख रहे हैं। अगर थैलस को और माइक्रोस्कोपिक दिखाई पड़े तो वो माइसीलियम दिखेगा, माइसीलियम को और अच्छी तरीके से देखो तो हाइफा दिखेगा। अब ये हाइफा कितने प्रकार के, ध्यान सुनिए, कुछ हाइफा और माइसीलियम ऐसे होंगे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस वाले होंगे, जैसे बहुत सारी सेल से बने हों लेकिन सेल वॉल खत्म हो गई हो, ऐसे हाइफा को हम लोग एसेप्टेट हाइफा बोलते हैं, एसेप्टेट, या फिर सीनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। पर कुछ फंगस ऐसे हैं जिनके हाइफा में न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हैं अलग अलग कोशिकाओं में, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, लेकिन यहां सेप्टा है, यहां पर सेप्टा नहीं है, तो ऐसे हाइफा को सेप्टेट हाइफा बोलते हैं। और ये सेप्टेट हाइफा ब्रांच भी हो सकते हैं, उनमें ब्रांच भी निकल सकती है। तो याद रखना हाइफा कैन बी टू टाइप, यस, एक कैसे हो सकता है एसेप्टेट सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लियर, दूसरे कैसे हो सकते हैं सेप्टेट। तो मैंने मॉर्फोलॉजी भी आपको पढ़ा दी, एनाटॉमी हमारे कोर्स में है नहीं, एनाटॉमी अगर हमारे कोर्स में है नहीं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम सब लोग जानते हैं फंगस हेटरोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता, और सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक का मतलब है ये लोग सड़ी गली चीजें खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को ये लोग खाते हैं। अगर आप फंगस में इतनी बात जान गए हैं तो मैं आगे पढ़ लेता हूं। देखो पहला पॉइंट था हैबिटेट, हैबिटेट, दूसरा था फॉर्म, तीसरी थी मॉर्फोलॉजी, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चार पॉइंट मैंने पढ़ा दिए। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फंगस में जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से फंगस का क्लासिफिकेशन तक कर दिया गया है, वो है बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंगस के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तीन प्रकार के हैं, फंगस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंगस तीन तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है। पहला तरीके का रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते वक्त फंगस तीन प्रकार काम कर सकते हैं। वन इज फ्रेगमेंटेशन, अपनी बॉडी का फ्रेगमेंट बना सकते हैं, कल मैं डिफाइन कर चुका हूं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इसके अलावा फिजन कर सकते हैं, बाइनरी फिजन कर सकते हैं, इसके अलावा बडिंग कर सकते हैं। आपको मालूम है ईस्ट, ईस्ट में बड निकलती है तो बडिंग कर सकते हैं, फिजन भी ईस्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेगमेंटेशन इज अ वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ चॉइस। अगर कोई पूछे कि फंजाई ज्यादातर कैसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो आप बताएंगे फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोरेंजियो स्पोर, यानी कि ये लोग अपनी स्पोरेंजिया में कुछ स्पोर बनाते हैं। अगर स्पोर है मोटाइल, फिर से बोलना स्पोर अगर मोटाइल है तो उसमें प्रेजेंट होंगे फ्लैजला, ऐसे स्पोर का नाम कहलाता है जू स्पोर। और अगर बेटा नॉन मोटाइल है तो ऐसे स्पोर को बनाते हैं ए प्लेनो स्पोर। तो याद रखना फंजाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त जू स्पोर और ए प्लेनो स्पोर बना सकते हैं। इसके अलावा फंजाई कोनिडिया बना सकते हैं, याद रखना इनकी बॉडी में कोनिडियो फोर नाम का स्ट्रक्चर होता है, कोनिडियो फोर, और इस कोनिडियो फोर में से नॉन मोटाइल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनका नाम है कोनिडिया। मेरे साथ रिवाइज करिए, जल्दी बोलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, फ्रेगमेंटेशन फिजन एंड बडिंग मोस्टली कितने प्रकार का, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, दो, एक तो स्पोरेंजियो स्पोर और दूसरा कोनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जू स्पोर मतलब मोटाइल, ए प्लानो स्पोर मतलब नॉन मोटाइल, और कोनिडियो फोर से कोनिडिया बन रहे, ये नॉन मोटाइल कोनिडिया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी स्पेशल, इनमें बहुत स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके पहले कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डील करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा ये लोग गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं।
गैमीट के फॉर्मेशन के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये लोग मियोसिस भी करते हैं। ये तीन बात आप हर एक फंगस करता है, याद रखना, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए मुझे बेटा बोर्ड खाली चाहिए। चलो, फंजाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? तीन। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो आपने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा स्पोरंजियो स्पोर्स, इसके अलावा कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी स्पेशल। क्या स्पेशल है, प्लीज यहीं रुकिए और समझिए, वरना आप हमेशा के लिए रट्टा मारते रहेंगे। मैं फंजाई पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? फंजाई। लेकिन ऑल दो फंजाई पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहां मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने एल्गी पढ़ाना चालू कर दिया। नो डाउट मेरा टॉपिक फंजाई है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों एल्गी पढ़ाने लगा हूं। पहले आप समझिए मैं एल्गी क्यों पढ़ाना चाहता हूं। एल्गी में हमने पढ़े हैं कि दो गैमीट एक साइज के हो सकते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होने पर दोनों गैमीट का, दोनों गैमीट का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म साथ साथ फ्यूज होता है। फिर सुनना, ये रहा एक गैमीट, ये रहा दूसरा गैमीट, ये साइटोप्लाज्म और ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म, दोनों फ्यूज किए। फ्यूज करते वक्त जब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा था तभी न्यूक्लियस फ्यूज कर गया। जब कभी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म साथ साथ फ्यूज करते हैं, सिंगैमी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सिंगैमी। और सिंगैमी का प्रोडक्ट बनता है जायगोट। और याद रखना, एल्गी अपने जायगोट में कर देते हैं मियोसिस। क्या करते हैं? मियोसिस। और इससे बन जाते हैं स्पोर्स। याद रखिए, मैंने अभी फंजाई नहीं पढ़ाई है, मैंने आपको एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ाया। एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? बाय सिंगैमी। व्हाट इज सिंगैमी? सिंगैमी मतलब साथ साथ। कौन कौन? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी साथ साथ हो जाए तो सिंगैमी है। लेकिन फंगस बड़े विचित्र है। जब ये गैमीट बनाते हैं, गैमीट जब भी बनाते हैं, तो इनके गैमीट जब भी फ्यूज होते हैं, तो पहले इनमें प्लाज्मोगैमी होती है। याद रखना, जिस समय प्लाज्मोगैमी हो रही है, उस समय पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता, जबकि एल्गी में न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। फंजाई में न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता, और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता तो दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहते हैं, इसे बोलते हैं डाइकैरियन। तो याद रखना, प्लाज्मोगैमी हो जाती है लेकिन तुरंत कैरियोगैमी नहीं होती, डाइकैरियन स्टेज बनता है, और इस डाइकैरियन स्टेज के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। यही इंपॉर्टेंट काम है, फ्रूटिंग बॉडी। अब आप एल्गी में देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है, एल्गी में कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। एल्गी में तो सिंगैमी हुई, जायगोट बना, मियोसिस हो गई, लेकिन यहां प्लाज्मोगैमी हुई, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कैरियोगैमी भी हो जाएगी, यानी प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद, कुछ देरों बाद, कुछ दिन बाद कैरियोगैमी हो जाएगी। तो पहले होगी प्लाज्मोगैमी, फिर होगी कैरियोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होने के बाद फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, मान लो ये कैरियोगैमी हो गई, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस तो हमेशा ही होगी, मियोसिस तो एल्गी भी कर रहे थे, मियोसिस ये भी करेंगे, और इन मियोसिस की वजह से स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स। अब आप देखिए, जैसी फ्रूटिंग बॉडी वैसे स्पोर। एल्गी में ऐसी कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं, तो सारे स्पोर एक जैसे, लेकिन जैसी फ्रूटिंग बॉडी वैसे स्पोर किसमें होंगे? फंजाई। अगर फ्रूटिंग बॉडी एस्कस लाइक है, एस्कस, एस्को कार्प है, तो इसे बोलेंगे एस्को स्पोर्स। और अगर फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो है, बेसिडियम है, तो इसे बोलेंगे बेसिडियो स्पोर्स। तो याद रखना, यहां पर भी स्पोर बन रहा है, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। यानी फंजाई अपना रिप्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या तीन काम कर रहा है? पहला काम कर रहा है प्लाज्मोगैमी, दूसरा काम कर रहा है कैरियोगैमी, और दोनों साथ साथ नहीं हो रहे हैं, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी दोनों अलग अलग कर रहे हैं, और फिर हो रही है मियोसिस। तो पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप कैरियोगैमी, फिर हो रही है मियोसिस। मियोसिस तुरंत नहीं होगी, प्लाज्मो कैरियोगैमी साथ साथ नहीं होगी, और इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनने पर एस्को कार्प और बेसिडियो कार्प बन जाएंगे। याद रखना, फंगस में एस्को कार्प और बेसिडियो कार्प करके, एस्को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज नाम की दो फंगस ग्रुप है। मैं फिर से पढ़ा दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी करना, सिंगैमी करना किसका फीचर है? यस, सिंगैमी करना फीचर है किसका? यस, एल्गी का।
और बेटा प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अलग अलग करना, सिंगैमी ना करना, किसका फीचर है? फंजाई का। अब इन्हीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस पर फंगस का क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। जब फंगस का क्लासिफिकेशन किया गया तो चार क्लासेस बनाए गए। यस, नंबर वन इज नोन एज फाइकोमाइसिटीज, ओके। नंबर थ्री इज नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज, एंड नंबर फोर नोन एज ड्यूट्रोमाइसिटीज। बच्चों घबराना मत, आपको सब समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन फंगस को किस बेसिस पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस पर। याद रखना, फाइकोमाइसिटीज से लेकर ड्यूट्रोमाइसिटीज तक ये सबसे सिंपल फंगस माने जाते हैं, सिंपल फंगस। मैं कुछ चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनिए, यहीं रुकेंगे। और ये सबसे ज्यादा एडवांस फंगस पाए जाते हैं, एडवांस फंगस। इसका मतलब है फाइकोमाइसिस सिंपल, उससे ज्यादा एडवांस एस्कोमाइसिस, सॉरी, ये कई बार वीडियो गड़बड़ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंप्लीफाई होता जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंप्लीफाई होता जाएगा। याद रखना, फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में उससे खराब, बेसिडियोमाइसिटीज में उससे खराब, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका नाम है। फाइको का मतलब ही होता है एल्गी, माइसिटीज का मतलब फंजाई। ये ऐसे फंजाई हैं जो एल्गी की तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब सिंगैमी करते हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम है एल्गल फंजाई। ये इन्हें हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई, और ये इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा क्लब फंजाई। और ये जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन्हें बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, फिर से देख लो, जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है, मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है टाइम। फंजाई का क्लासिफिकेशन चार क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में देयर विल बी नो फ्रूटिंग बॉडी, इनमें कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगी। अब आप पूछेंगे इनमें फ्रूटिंग बॉडी क्यों नहीं होगी, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर सिंगैमी करते हैं। अब बोलेंगे सर सिंगैमी क्या बताए, अभी 5 मिनट पहले पढ़ाई है। यानी फाइकोमाइसिटीज के मेंबर अपने अपने गैमीट को फ्यूज करते वक्त प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ कर देंगे, प्लाज्मोगैमी से कैरियोगैमी साथ साथ कर देंगे, तो या तो ये बेटा आइसोगैमस रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो ये एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन करेंगे, या तो ये ऊगैमस रिप्रोडक्शन करेंगे। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस रिप्रोडक्शन करने वाले लोग कौन? फाइकोमाइसिटीज। ये दोनों लोग फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, इसका मतलब प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस वाला पार्ट इनमें पाया जाएगा। और ये भैया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम बताओ, फाइकोमाइसिटीज इज, यस, फाइकोमाइसिटीज इज नोन एज, यस, फिर से बताइए, फाइकोमाइसिटीज इज नोन एज एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज इज नोन एज सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज इज नोन एज क्लब फंजाई, ड्यूट्रोमाइसिटीज इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब एक एक करके चारों को समझने की जरूरत है, मैं चारों को एक एक करके फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ा दे रहा हूं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का मतलब ही होता है एल्गल फंजाई, एल्गा की तरह फंजाई। तो एल्गी कहां रहता है? एल्गी जल की रानी है, इसका मतलब ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, यानी ये एल्गी की तरह एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज। याद रहेगा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होगा। अकेला बंदा है फंगस में जो जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि जू स्पोर से रिप्रोडक्शन करना एल्गा का फीचर है, और ये फंजाई जरूर है लेकिन एल्गी जैसा है। तीसरा पॉइंट, इनमें एसेप्टेट,
एसेप्टेट सीनोसिटिक हाइपा मिलेंगे, एसेप्टेट सीनोसिटिक हाइपा, याद करो वो हाइपा जिनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, याद आया। और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, एल्गी जैसा होगा, सिंगेमी होगी। और सिंगेमी होने की वजह से इनका जो स्पोर बनेगा उसका नाम होगा जाइगो स्पोर। जाइगो स्पोर का मतलब होता है जाइगोट से बनने वाला स्पोर, तो ये जाइगोट को ही स्पोर में तब्दील कर देंगे। और इनका, इनके एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप याद रखिए राम, व्हाट इज राम, पहला है राइजोपस। यस, आपके सामने राम के, राम आप बुक देख लीजिए, राइजोपस। इसके बाद आपके सामने एग्जाम्पल है एल्बुगो, और बेटा इसके बाद है म्यूकर। राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर, फिर से बोलो, राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर, ये है फाइकोमाइसिटिस। ओके, नाउ एस्कोमाइसिटिस, इसी क्रम में आप एस्कोमाइसिटिस को भी पढ़ सकते हैं। टाइम मेरे पास कम है, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी से देखिए। राम किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइकोमाइसिटिस का। इसके बाद है एस्कोमाइसिटिस, याद रखना एस्कोमाइसिटिस के बाद एस्कोबैसिडियो और इसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटिस तक सब लोग रखेंगे सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा एंड ब्रांच्ड हाइफा। याद रखना आपको पढ़ाया गया था ये हाइफा जिनमें बेटा न्यूक्लियस अलग अलग होगा और ब्रांच मिलेगा, ब्रांच और सेप्टेट हाइफा होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा बेटा कोनीडिया से, किससे होगा, कोनीडिया से, याद रहेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लोग क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अलग अलग करेंगे। इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प, और इनके स्पोर का नाम होगा बेसिडियो स्पोर्स, या फिर सॉरी, इनके फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा एस्को कार्प, बहुत ज्यादा माफ करिएगा, और इनके यहाँ एस्को स्पोर्स, एस्को स्पोर्स, क्योंकि इनकी फ्रूटिंग बॉडी सैक लाइक होगी, याद रहेगा। एस्कोमाइसिटिस के एक एग्जाम्पल आएंगे राम कैन, कैन वो था राम, ये कैन, क्लेविसेप्स याद रखना, न्यूरोस्पोरा, ये एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, ये आप लोग देख लीजिए बुक, बुक में आपके सामने पेज नंबर 24 है, कैन, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, ए फॉर एस्परजिलस। एस्कोमाइसिटिस के बाद आपके बाद आएगा बेसिडियोमाइसिटिस, सब कुछ बेटा एस्कोमाइसिटिस जैसा चाहिए, सेप्टेट हाइफा है, ब्रांच है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है इनमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ड्यूट्रोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाते वक्त ये बेसिडियो कार्प बनाएंगे, बेसिडियो कार्प, और यहां पर बेसिडियो स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर्स। और अगर आप भूलेंगे नहीं है तो इन दोनों में डायकैरियन स्टेज आएगी, क्यों, क्योंकि इनकी प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी साथ साथ नहीं होगी, अलग अलग होगी, याद रखना। एस्को कार्प इज एंडोजिनस स्पोर, एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बेसिडियो कार्प इज एक्सोजिनस स्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनते हैं, इसीलिए इसे बेटा एक्सोजिनस स्पोर बोलते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टॉपिक है फंगस का, दैट इज नोन एज ड्यूट्रोमाइसिटिस। हाँ, बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जांपल, पहला फुल फॉर्म देखिएगा राम, दूसरा एग्जांपल है कैन, पॉज, पॉज में ये रहा पक्सिनिया, पक्सिनिया, ये रहा एगेरिकस, एगेरिकस मतलब मशरूम, और ये रहा अस्टिलागो। मैं आपको बताता जाऊं, ये फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल लर्न करने का फॉर्मूला है, फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है राम, राइजोपस, यस, एल्बिगो, म्यूकर, क्लेविसेप, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज अ ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब है इसमें बहुत सारी जेनेटिक स्टडी की गई है। फिर पक्सिनिया को हम लोग रस्ट बोलते हैं, एगेरिकस आप जानते ही हैं बेटा मशरूम होता है, और अस्टिलागो जो होता है वो इस्मट होता है, इस्मट। इसके बाद लास्ट आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट फंजाई है ये,
इम्परफेक्ट फंजाई है। कोई पूछेगा सर ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों है, तो आप बोलोगे कि देयर विल बी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई है। तो पूछिए सर इनके हाइफा कैसे होते हैं, नो डाउट इनके हाइफा होते हैं सेप्टेट एंड ब्रांच। बोलिए सर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कोनिडिया से होता है। अगर आप बुद्धिमान हो तो तीनों के चारों के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैच कराओ, बताओ फाइकोमाइसिटिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर, एस्कोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस यस कोनिडिया, बेसिडियोमाइसिटिस नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यूट्रोमाइसिटिस कोनिडिया। तो पहला यस पहला जू स्पोर, दूसरा कोनिडिया, तीसरे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, चौथा कोनिडिया। अब सेक्सुअल बनाओ, सेक्सुअल में पहला जो होगा वो सिंगेमी करेगा फाइकोमाइसिटिस, दोनों बाकी डाइकैरियन बनाएंगे और बेटा बेसिडियो कार्प और एस्को कार्प बनाएंगे और तीसरा चौथा वाला बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा। याद रखना राम कैन पॉज एक्ट एक्ट ए सी टी, ये एग्जांपल है ड्यूट्रोमाइसिटिस के। ए फॉर अल्टरनेरिया, सी फॉर कोलेटोट्राइकम कोलेटोट्राइकम और टी फॉर ट्राइकोडर्मा, और इस तरीके से फंजाई नाम का किंगडम भी आपका कंप्लीट होता है। तो आपने कौन कौन से किंगडम पढ़ लिए जल्दी बोलो, पांच किंगडम में आपने तीन किंगडम पढ़ डाले, जल्दी जल्दी बोल डालो मेरे सामने बोलो। क्या हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया, यस। क्या हम लोगों ने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, यस। क्या हम लोगों ने फंजाई अभी अभी पढ़ लिया, बोलो यस। अब बचता है प्लांट और बचता है एनिमल, खुशी मनाओ। इनको अलग से स्पेशली बुक डील करती है, स्पेशली इनको हम लोग को अलग से दो अलग किंगडम के नाम से ही पढ़ना है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के नाम से ही पढ़ना। खैर फिर भी आपको प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ है। प्लांट किंगडम दे आर मल्टी सेलुलर, पहली बार मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक लोग हैं, यूकैरियोटिक लोग हैं। और इनके एग्जाम्पल आएंगे कौन कौन, बोलो कौन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यस। इसके अलावा आएगा जिम्नोस्पर्म और कौन, एंजियोस्पर्म। तो पांच लोग हैं जो बेटा प्लांट किंगडम में आएंगे, पर याद रहे एल्गी केवल मल्टी सेलुलर वाले ही आएंगे क्योंकि प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर लोग ही अलाउ है, यूनिसेलुलर नहीं। अगर कोई यूनिसेलुलर एल्गी है तो वो किक कर दिया जाएगा प्रोटिस्टा में और प्रोटिस्टा में पहुंच जाएगा। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूनिसेलुलर एल्गी ही थे जो प्रोटिस्टा में भेज दिए गए थे। तो बताओ प्लांट किंगडम में कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में। अब ये क्या बना है ये आप पढ़ने के लिए कल आइए, कल मैं प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। प्लांट किंगडम के बाद आपके पास पांचवा किंगडम है, चौथा किंगडम, एक दो तीन चार, और पांचवा किंगडम है एनिमल। एनिमल किंगडम की खास बात यह है कि ये लोग भी मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ये लोग भी यूकैरियोटिक हैं। बस इतना याद रखना ये लोग प्लांट किंगडम लोग थे ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपना खाना खुद बना लेते थे फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल लोग हेटरोट्रॉपिक, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, और ये लोग हैं होलोजोइक, होलोजोइक इसका मतलब खाना खाने के लिए पांच स्टेप लेते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। और इनके एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे पोरीफेरा से, अच्छा रहेगा आप पढ़ाओगे पोरीफेरा, मैं केवल एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, यस, इसके वाला मोलस्का, इकाइटोडर्मेटा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्ड, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इस तरीके से एनिमल किंगडम नाम का भी एक अलग चैप्टर है जो हम लोग को डील करना है। तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम भी पढ़ लिया, तो टोटल पांच किंगडम पढ़ लिए, बोलो पांचों किंगडम के नाम, यस। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमल। पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा नहीं कर पाता है। लिमिटेशन का मतलब कमजोरियां, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की भी कमजोरियां हैं। क्या क्या कमजोरियां हैं, जैसे वायरस,
को कोई स्थान नहीं मिला पांचों किंगडम में। पांचों किंगडम में वायरस कहां रखा जाए किसी को नहीं मालूम, जैसे कि वायरॉइड कहां रखा जाए किसी को नहीं मालूम, जैसे कि प्रियॉन्स इन्हें कहां रखा जाए नहीं मालूम। वायरस वायरॉइड प्रायन को बेटा कोई जगह नहीं मिली, इवन लाइकेन को भी कोई जगह नहीं मिली। तो वायरस वायरॉइड प्रायन और लाइकेन दे आर द एक्सेप्शन। ये ऐसे प्राणी हैं जो छूट गए, जो छूट गए जिनमें जिनको पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा कोई स्थान नहीं मिला। ओके, अब बताओ इन सबको एक एक करके पढ़ लिया जाए, अगर ये पढ़ लिया जाए तो हमारा सब कुछ काम खत्म हो जाता। सबसे पहले वायरस, वायरस का सबसे बड़ा पंगा, सबसे ज्यादा लड़ाई वायरस टर्म किसने दिया। अब दो किताबें हैं, दो अलग अलग लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग पाश्चर लगाएंगे। पाश्चर हमें मालूम है, आप लोग बोलेंगे नहीं सर नई किताब जो आई है उस किताब में सर दिया गया आइवन स्काई, ठीक है, लेकिन याद रखना टर्म बेटा पाश्चर ने ही दिया है, ये याद रखना। इन्होंने बोला था पॉइजनस सब्सटेंस, पाश्चर वायरस। इसके अलावा बीजे रिंक नाम का भी साइंटिस्ट है, बीजे रिंक नाम के साइंटिस्ट ने एक वायरस के ऊपर काम किया, इसका नाम है TMV, टोबैको मोजैक वायरस, बीजर याद रहेगा, सॉरी वेरी सॉरी इट इज आइवन स्काई। आइवन स्काई नाम का बंदा जो है इसने TMV टोबैको मोजैक वायरस के रूप में काम किया। अच्छा लड़ाई क्या चल रही थी, पाश्चर साहब ने कभी जर्म थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, समझना जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में वो कहते थे इस दुनिया की, बहुत ध्यान सुनना, अगर ये पांच मिनट में आप भूल गए तो मामला कभी नहीं आ पाएगा कि लड़ाई ये चलती रहेगी। वो ये कहते थे कि दुनिया में कोई भी डिसीज हो बिना किसी जर्म के नहीं हो सकती, जर्म की वजह से ही कोई बीमारी होती। अब पाश्चर साहब को सबसे छोटा प्राणी मालूम था बैक्टीरिया, उनके पास एक फिल्टर था, उस फिल्टर में जब कभी बैक्टीरिया डालो तो बैक्टीरिया फंस जाते थे। अगर किसी डिसीज प्राणी को रोको और बैक्टीरिया फंस जाते थे, यानी बैक्टीरिया इस फिल्टर में फंस जाएंगे निकलेंगे नहीं, लेकिन इसी बैक्टीरिया के फिल्टर से पाश्चर जब TMV का वायरस घुसाते थे तो TMV का वायरस निकल जाता था। इसका वायरस का मतलब वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है, इसलिए वो बोलते थे कि ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस है जिसका नाम उन्होंने वायरस रख दिया था। आइवन स्काई ने TMV में डिस्कवरी की और TMV को ढूंढ कर बताया, तो इन्होंने बोला ठीक है यही जो मटेरियल नीचे आया, ये जो मटेरियल बेटा बैक्टीरिया फिल्टर से नीचे आया ये बेटा लिक्विड फॉर्म में होता था, और इस लिक्विड फॉर्म को नॉर्मल बेटा प्लांट में डालो, नॉर्मल प्लांट में डालो तो नॉर्मल प्लांट भी डिसीज्ड हो जाता था। क्या हो जाता था? डिसीज्ड। तो ये माना जाता था कि जो फिल्टर से निकला हुआ मटेरियल है वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो बड़ा इंफेक्शियस है। तो एक शब्द दिया गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम मतलब इंफेक्शियस, वाइवम मतलब जिंदा, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, एक ऐसा जिंदा फ्लूइड है जो कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूइडम बीजे रिंक ने नाम लिखा। अब देखो सब लोग हवा में गोली चला रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज है, पाश्चर जी बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर जाती है, टीएमवी वाले वायरस बोल रहे हैं कि कोई वायरस है जो बेटा बैक्टीरिया से छोटा है, बीजे रिंग कह रहे हैं कि हाँ वो बैक्टीरिया से छोटा हुआ मटेरियल किसी फ्लूड में पड़ा है और वो फ्लूड कैसा है, टॉक्सिक है और वो डिसीज कर देता है, लेकिन कोई भी इस वायरस को ढूंढ नहीं पा रहा। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं स्टैनले, स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने वायरस के क्रिस्टल बनाए, क्या बनाए? क्रिस्टल, और पहली बार वायरस से क्रिस्टल बने। तो चार साइंटिस्ट के नाम है, चारों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने चाहिए, पहले टर्न वायरस गिवन बाय पाश्चर, फिर टीएमवी को आइवन स्काई ने बताया, फिर कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बीजरिंक ने बताया, और इसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैनले ने क्या बनाए। यस स्टैनले ने बनाए आपके सामने यस इसके क्रिस्टल। अब वायरस का स्ट्रक्चर बोला जाता है, वायरस का स्ट्रक्चर बोला जाता है कि चारों तरफ पाई जाती है प्रोटीन, इस प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, और अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो हो सकता है डीएनए या तो हो सकता है आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। तो न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, प्रोटीन में हो सकती है कैप्सिड, कैप्सिड प्रोटीन हो सकती है, याद रखना पड़ेगा। याद रखने वाली बात यह कि इनमें नो साइटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म। तो जब ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होता
तो ये नॉन लिविंग होते हैं। कल मैंने पढ़ाया था जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, प्रोटोप्लाज्म। तो वायरस के पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तो है लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है इसलिए जिंदा नहीं है। लेकिन जब यही वायरस किसी कोशिका में घुस जाए, ये लो ये रही मेरी सेल, मेरी बॉडी की सेल और इसमें एड बॉडी का न्यूक्लियस और ये वायरस मेरा इसके अंदर घुस चुका है। अब बताइए जैसे ही वायरस इसके अंदर घुस चुका है तो इस वायरस ने हमारे प्रोटोप्लाज्म को यूज करना चालू कर दिया और मेटाबॉलिज्म करना चालू कर दिया। और अगर मेटाबॉलिज्म करना चालू कर दिया तो वायरस हो गया लिविंग। कैसा हो गया? लिविंग। लेकिन बताओ क्या वो बिना सेल के अंदर जाए लिविंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और सेल के बाहर वो कैसा है? नॉन लिविंग। तो याद रखना वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब वायरस इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। सेल नहीं मिली तो जिंदा नहीं रहेगा, सेल के अंदर जाते ही ये जिंदा हो जाएगा। तीन प्रकार के वायरस हैं, कौन कौन सी सेल में अटैक कर सकते हैं? अगर प्लांट सेल में अटैक कर सकते हैं, एनिमल सेल में वायरस अटैक कर सकते हैं और बैक्टीरिया में अटैक कर सकते हैं। अगर वायरस प्लांट की सेल में अटैक करेंगे तो ज्यादातर समय के जो वायरस होंगे, जो प्लांट में अटैक करने वाले वायरस होते हैं, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल के भी इसे जल्द गलती मत लेना। प्लांट में पाए जाने वाले जो वायरस है उनमें ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज्यादातर समय में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। एनिमल में अटैक करने वाले वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिल सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल सकता है। मैंने बोला था ना या तो प्रोटीन होगी या तो डीएनए या तो आरएनए, तो कब डीएनए कब आरएनए होगा ये बता रहा हूं। प्लांट में ज्यादातर समय में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो बैक्टीरिया में अटैक करें उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, इनमें होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड नाउ वायरस के बाद वायरॉइड है, वायरस के बाद वायरॉइड है। वायरॉइड को ढूंढा था टीओ डाइनर ने, याद रखना 1971 में एक बीमारी होती पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। याद रखना वायरॉइड कुछ नहीं होते, ये लो मॉलिकुलर वेट आरएनए होते, लो मॉलिकुलर वेट आरएनए। यानी वायरस के पास दोनों चीजें थी, क्या क्या? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अगर प्रोटीन हट जाए केवल आरएनए बचे तो वो क्या कहलाएगा? वायरॉइड। याद रखना इसके बाद आता है प्रायन, ये दूसरी चीज है, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है। इसका मायने क्या है कि अभी अभी मैंने बताया था प्रोटीन और बेटा न्यूक्लिक एसिड दोनों हो तो वायरस हो, अगर प्रोटीन अलग होकर के फोल्ड हो जाए तो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन का नाम क्या होगा? इट इज नोन एज प्रायन, इसी को हम लोग प्रायन बोलेंगे। प्रायन हमें डिसीज करती है, नाम है मैड काउ डिसीज, इसी को बीएसई बोलते हैं। बीएसई मतलब बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसिफलोपैथी, बोवाइन का मतलब ही होता है गाय, बोवाइन स्पंजिफॉर्म, स्पंजिफॉर्म इंसिफलोपैथी, इंसिफलोपैथी मतलब ब्रेन, ब्रेन में बीमारी हो जाए तो इंसिफलोपैथी। बोवाइन मतलब मैड काउ डिसीज, बोवाइन मतलब गाय, स्पंजी फॉर्म मतलब ब्रेन स्पंज जैसा हो जाए, इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन, बोवाइन इंसेफेलोपैथी। और जैसी मैड काउ डिसीज होती है वैसे ही प्रायन ह्यूमन में भी एक डिसीज करते हैं और इसे बोलते हैं सीजेडडी, इट इज नोन एज क्रूड्सफेल्ड जैकब डिसीज। ये क्रूड्सफेल्ड जैकब डिसीज है। एंड नाउ दो मिनट के अंदर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इट इज नोन एज लाइकेन, आखिरी टॉपिक है हमारे पास, इट इज नोन एज लाइकेन। लाइकेन इट सिंबियोटिक रिलेशनशिप, याद रखना लाइकेन इज सिंबियोसिस, और सिंबियोसिस होती है दो लोगों की, एक होता है एल्गी दूसरा होता है फंजाई, एक होता है एल्गी दूसरा होता है फंजाई। माफ करिएगा पेन मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, देखे वीडियो चल रहा कि नहीं चल रहा। यस, एक होता है एल्गी दूसरा होता है फंजाई।
जो एल्गी होता है इसे बोलते हैं फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, और जो फंजाई होता है इसे बोलते हैं माइकोबायोंट। याद रखना, लाइकेन इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पर भी एयर पॉल्यूशन होगा लाइकेन वहां ग्रो नहीं करते, एयर पॉल्यूशन के समय पर लाइकेन ग्रो नहीं करते। और आपको इकोसिस्टम में सक्सेशन पढ़ाया गया था, सक्सेशन में आपको जेरोसीर पढ़ाई गई थी, सक्सेशन का जो फर्स्ट प्लांट होता है वो होता है लाइकेन। लाइकेन से ही बेटा आपकी सक्सेशन शुरू होती है। आज की क्लास में मुझे लग रहा था मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सही ढंग से टाइम रहते हुए कर दिया। नो डाउट आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पीडीएफ से और क्वेश्चन बुक से आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं सैटरडे और संडे को डील करूंगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को ही मेरे पास थोड़ा वक्त होगा, क्योंकि इस समय पर मेरे पास 3 क्लासेस हैं, तो सैटरडे और संडे को आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जो लोग आज ज्वाइन किए हैं वो लोग इस नंबर को नोट कर लें, इट इज 9319055284, ये मेरा नंबर है। अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी, इस क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको मैं पीडीएफ इसके नोट्स की मिल जाएगी और आपको क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिल जाएगी। मुझे बड़ा मजा आया, मुझसे जो हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हर एक पॉइंट आपके सामने डील कर दूं। मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा बताइएगा, एंड आई एम हैप्पी टू हियर यू। आप लोग बोलते हैं अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगे सुधार जो जरूरत हो बता दीजिएगा। वेरी गुड, टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।